बीएससी फाइनल ईयर के परिणाम में शून्य नंबर आने से नाराज शासकीय घनश्याम सिंह गुप्ता स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने दुर्ग हेमचंद विश्वविद्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय कॉलेज खैरागढ़ और घनश्याम सिंह गुप्ता शासकीय कॉलेज बालोद के बीएससी फाइनल ईयर की समस्त छात्र छात्राएं बीएससी फाइनल ईयर की 2023-24 की परीक्षा में आए रिजल्ट से नाराज होकर मंगलवार को दुर्ग हेमचंद विश्वविद्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए उत्तर पुस्तिका की जांच करने की मांग की। वही समस्त छात्राओं का कहना था कि हमने बीएससी फाइनल ईयर की 2023-24 की परीक्षा में काफी मेहनत से परीक्षा दिया था और विद्यार्थियों को ये भी कहना है कि परीक्षा भी काफी अच्छी गई, लेकिन उन्हें परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने की उम्मीद थी, परंतु जब परीक्षा परिणाम सामने आए तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्हें शून्य नंबर दिया गया है। इसके विरोध में बीएससी फाइनल ईयर की समस्त विद्यार्थियों ने हेमचंद विश्वविद्यालय पहुंचकर आवेदन देकर मांग की कि पुनः उत्तर पुस्तिका की जाँच की जाए ताकि उन्हें संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो सके और छात्र छात्राएं अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सके। हम लोग बालोद महाविद्यालय से आए हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा बना था, लेकिन हम लोगों को 0 नंबर दिया गया है। तो अपील है कि हमारा पेपर दोबारा से जांच हो। हम लोगों को सभी को फेल कर दिया गया है, तो हम लोग यही आशा के साथ आए हैं कि हमारा पेपर दोबारा से जांच किया जाए ताकि हमको संतुष्टपूर्वक परिणाम हासिल हो सके। हम सभी बालोद शासकीय घनश्याम सिंह गुप्ता स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र हैं और विगत कुछ दिनों पहले बीएससी फाइनल ईयर और बीएससी सेकंड ईयर का परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें अधिकतर छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण जाँच हुआ है, जिसमें अधिकतर छात्रों को 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर दिया गया है। छात्रों का यह कहना है कि हमने बहुत अच्छे से पेपर दिलाया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रश्न पत्र हल किए, उसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने लापरवाही पूर्वक जांच करते हुए सभी छात्रों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिया, जिससे हम छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हम छात्रों के भविष्य खिलवाड़ हो रहा है, जिसके लेकर हम सभी बालोद महाविद्यालय के छात्र आज आकर कुल सचिव के नाम से ज्ञापन दिए हैं कि हमारे पेपर को दोबारा जाँच किया जाए और हमारे छात्रों जो हम छात्र आए हैं उनके भविष्य साथ खिलवाड़ न किया जाए। अगर हमारी मांगी पूरी नहीं तो हो सकता है भविष्य में हम राज्यपाल महोदय से मिलकर यूनिवर्सिटी में जो हो रही है छात्रों के साथ गलत हो रहा है यूनिवर्सिटी में, उनके खिलाफ हम राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे और आगे के लिए कार्रवाई की मांग करेंगे ताकि छात्रों का भविष्य बर्बाद न हो। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।